हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या डॉट इन। अगर आप ट्वेल्थ ऑनवर्ड्स एग्रीकल्चर की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बीएससी या फिर बीटेक एग्रीकल्चर की फील्ड में करना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी एंड इंडिया की फर्स्ट एंड मोस्ट रिनाउंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, और उसका नाम है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। जीबी पंत यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको एंट्रेंस के बेसिस पे मिलता है। आप आईसीएआर का एंट्रेंस एग्जाम देके या फिर जीबी पंत यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देके इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जीबी पंत यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर अप्लाई कर दें। इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम में आप 31 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेशन 2022-23 से अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी जीबी पंत यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारी पेड सीट्स क्रिएट करी गई हैं जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को ऑफर की जा रही है। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम जीबी पंत यूनिवर्सिटी के बारे में सभी कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके ऑफर्ड कोर्सेज, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम, फी स्ट्रक्चर एंड कैंपस से जुड़ी हुई सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप जीबी पंत यूनिवर्सिटी के ऑफर्ड कोर्सेज एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो को देखते समय कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब विद्या.in। सबसे पहले हम जीबी पंत यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। 1960 का एस्टैब्लिशमेंट है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, आईसीएआर अप्रूव्ड है, एआईसीटी, यूजीसी अप्रूव्ड है, इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। इंडिया की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और आईसीएआर की रैंकिंग में इसकी 3rd पोजीशन है। ओवरऑल यूनिवर्सिटीज की रैंक में इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 52 है। इसके साथ साथ एशिया की टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में भी जीबी पंत यूनिवर्सिटी का नाम आता है। अप्रॉक्स 50 एकड़ के एरिया में इसका कंप्लीट कैंपस फैला हुआ है और कैंपस में आपको सभी फैसिलिटीज लाइक वाईफाई कैंपस, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, लेटेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, प्रैक्टिकल लैब्स, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, कैफेटेरिया विद इन द कैंपस मिलते हैं। जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर उत्तराखंड में सिचुएटेड है, जो कि रुद्रपुर से अप्रॉक्स 13 किलोमीटर, हल्द्वानी से अप्रॉक्स 25 किलोमीटर और नैनीताल से अप्रॉक्स 65 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप यहां पर बाई रोड आ रहे हैं तो आप रुद्रपुर या फिर हल्द्वानी के थ्रू पंतनगर आसानी से पहुंच सकते हैं, और अगर आप यहां पर ट्रेन से आ रहे हैं, बाय ट्रेन आ रहे हैं, तो आप लालकुआ पहुंच के वहां से ऑटो रिक्शा के थ्रू पंतनगर यूनिवर्सिटी आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी की ऑफर्ड कोर्सेज की। आप यहां से साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, वेटनरी साइंस में यूजी एंड पीजी कोर्सेज कर सकते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करें तो आप यहां से एग्रीकल्चर, सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस में बीटेक कोर्सेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जीबी पंत यूनिवर्सिटी से एमटेक करना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर की फील्ड में काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशंस के साथ एमटेक कर सकते हैं। आप यहां से एमटेक इन फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, फूड बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस में एमटेक कर सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर कोर्सेज की बात करें तो आप यहां से बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहां से एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी एंड एमएससी माइक्रोबायोलॉजी भी कर सकते हैं। अगर हम साइंस की फील्ड में कोर्सेज की बात करें तो आप यहां से बीएससी एंड एमएससी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहां से बीएससी फिशरीज एंड एमएससी फिशरीज भी कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन की फील्ड में आप यहां से एमसीए कर सकते हैं, और अगर आप वेटनरी साइंस की फील्ड में यहां से कोर्स करना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस और मास्टर्स ऑफ वेटनरी साइंस जैसे कोर्सेज यहां से कर सकते हैं। अगर आप जीबी पंत यूनिवर्सिटी के सभी ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां के एडमिशन प्रोसेस की। जीबी पंत यूनिवर्सिटी में एडमिशन एंट्रेंस के बेसिस पर ही होता है। यहां पर
आपको मेरिट बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलता है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी सभी यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं जो कि ऑनलाइन होता है, जिसमें आप अप्लाई करके यहां पर यूजी एंड पीजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। जीबी पंत यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन प्रोसेस 18 अप्रैल ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो गया है और आप इसमें 31 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। और जीबी पंत यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम 30th या फिर 31st जुलाई को हो सकता है। इस साल काफी सारी पेड सीट्स अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर की गई हैं। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो भी इस साल आप जीबी पंत यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। इस साल काफी सारी पेड सीट्स क्रिएट करी गई हैं जो कि उत्तराखंड के अलावा जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे उनको ऑफर की जा सकती हैं। तो आप अगर जीबी पंत यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं और आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, तो भी इस साल आप जरूर अप्लाई कर दें। अगर हम जीबी पंत यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां की बीएससी एग्रीकल्चर की फीस अप्रॉक्स 42,000 पर एनम, बीटेक की फीस अप्रॉक्स 61,000 पर एनम, एमटेक की फीस अप्रॉक्स 41,000 पर एनम, एमसीए की फीस अप्रॉक्स 41,000 पर एनम और एमबीए की फीस अप्रॉक्स 26,000 पर एनम की है। अगर आप जीबी पंत यूनिवर्सिटी के किसी दूसरे कोर्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हैं। अगर हम जीबी पंत यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट की बात करें तो बीइंग ए नंबर वन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यहां से आपको एग्रीकल्चर कोर्सेज में, एग्रीकल्चर की फील्ड में कोर्स करके काफी अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। अगर आप यहां से बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर लेते हैं या फिर एमएससी कर लेते हैं तो आपको अप्रॉक्स 6-8 लाख तक का प्लेसमेंट मिल सकता है, और अगर आप यहां से बीटेक या एमटेक कोर्सेज कर लेते हैं तो आपको अप्रॉक्स 10-12 लाख पर एनम का प्लेसमेंट काफी आसानी से मिल सकता है। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको जीबी पंत यूनिवर्सिटी की सभी इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। और अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इसके एंट्रेंस एग्जाम में समय रहते जरूर अप्लाई कर देंगे। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके कंफ्यूज हैं या आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।